आज प्रदेश के 48 जनपदों से व्यापारी नेता यहाँ पर आए हैं और प्रदेश के सभी जनपदों में संगठन के द्वारा व्यापारियों को चुनाव लड़ाने की बात कही गई है, जिसमें आज 126 विधानसभाओं के प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। ये सुबह 9 बजे से कार्यक्रम हम लोगों का चालू है और व्यापारियों का उद्धार तभी हो पाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का होता है, सबसे ज़्यादा नोट और वोट में सपोर्ट व्यापारी करता है। और कोई भी जितनी भी सरकारें आती हैं, पिछली सरकारें आएंगी तो वो नए कानून लगाती हैं, नए सरकार आती है फिर नए कानून लगाती है, और सबसे ज़्यादा पीड़ित आज की डेट में व्यापारी है और व्यापारियों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों की सभी विधानसभाओं में हम लोग व्यापारियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में व्यापारी जो है हमारे व्यापारी नेता के साथ होगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे व्यापारी जो प्रत्याशी होगा उसको नोट और वोट देने का काम व्यापारी करेगा। निश्चित रूप से व्यापारी ने ही सारी पार्टियों को पालने और पोसने का काम किया है। जब भी किसी चीज़ की सहयोग की आवश्यकता होती है, टैक्स की आवश्यकता होती है, व्यापारी आगे खड़ा होता है। परंतु इस बार व्यापारी ने सोचा है कि विधानसभा में पहुंच करके अपने फेवर के, अपने लिए और जनता से जुड़े हुए जो भी कानून बनेंगे उन कानूनों को हम लोगों को बनाना है और विधानसभा में व्यापारी को पहुँचना है। हमें तो लग रहा है ऐसा देखिए है क्या कि कुछ नेता लोग बटे हुए हैं, व्यापारी कहीं नहीं बटा हुआ है। व्यापारी तो हर नेता के लिए मंच भी देता है, हर नेता के लिए स्वागत भी करता है, पैसा भी खर्च करता है और यहाँ से दिल्ली तक लोग गए। मगर हुआ क्या कि व्यापारियों का जो अविश्वास आया, कुछ कथित व्यापारी नेताओं ने अपने MLC बनने की, राज्यसभा जाने की और मंत्री बनने की लालच में ये व्यापारियों से धोखा किया है। इस वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी नेता अलग हैं, व्यापारी कहीं नहीं एक है, मतलब व्यापारी पूर्णता एक है। ये जो व्यापारी नेताओं ने जो भ्रम कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने फैला रखा है, निश्चित रूप से व्यापारी इस बार इंडिपेंडेंट रूप उतर करके व्यापारी विधानसभा में चुनाव में मैदान में आएगा, क्योंकि व्यापारी ने देखा है कि उसके नेता भी हैं, वो सबको तो इकट्ठा करते हैं, चुनाव की बात करते हैं और अंतिम में अपना कोई एक विधानसभा एक टिकट लेकर के अपना वो किसी पार्टी को समर्पण कर देते हैं। इस वजह से आज व्यापारी जो होगा चुनाव मैदान में स्वयं लड़ने की बात है व्यापारी की। देखिए है क्या कि जो 30% व्यापारी वोट है ये सबसे बड़ा है, यही सपा बनाने वाला है, यही भाजपा बनाने वाला है और यही सरकार को आगे बढ़ाने वाला है। ये व्यापारी वोट इस बार एकजुट होगा और व्यापारी प्रतिनिधि जहां जहां चुनाव लड़ेगा उसको वोट करेगा और जिताने का काम करेगा। सबसे पहले तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या और वो आम जनता की समस्या है। सरकार जो है महंगाई इतनी बिकट कर रखी है, GST को 28% सबसे ज़्यादा किया गया है और 28% का जो टैक्स है वो व्यापारी भी परेशान है और दूसरा निश्चित रूप से जो आम इंसान है वो भी सबसे बड़ा परेशान है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही जो भी व्यापारी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, महंगाई से आज डीजल देखिए, डीजल डेढ़ गुना हो गया है, पेट्रोल डेढ़ गुना हो गया है और ये सरकार क्यों नहीं GST के दायरे में उसको लाती है। बातें तो हर सरकारें करती हैं और मुझे लगता है एक सरकार की बात नहीं है, ये सारी सरकारें जितने राजनीतिक दल हैं वो एक समय समय पर आकर के एक कानून से व्यापारी का शोषण होता है, अगली सरकार आने के बाद कुछ नए कानून नए तरीके से व्यापारी का शोषण हो रहा है। आज इनकम टैक्स बिल ले लीजिए, न जाने कितने व्यापारियों को नोटिस आ रहा है और नोटिस का जवाब भी, जबकि इनका पोर्टल ख़राब है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को कहा कि पोर्टल पर वर्किंग नहीं है, जो कंपनी पोर्टल पर का लॉन्च वो लिया है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो भी कह रहे हैं कि अभी सर्वर में प्रॉब्लम है। एक एक सब्जेक्ट के लिए तीन तीन बार नोटिस आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फेसलेस है, फेसलेस में तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि व्यापारी जाए कहाँ पे, आप पोर्टल अपना सही नहीं कर रहे हैं। GST में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, हर तरीके से व्यापारी को लूट की घटनाएँ, हर तरीके से व्यापारी शोषित है। निश्चित रूप से व्यापारी इस बार आपका समर्थन उसमें विलय करेगा।
नहीं, हम संगठन कोई विलय नहीं करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ेंगे व्यापारियों के बीच में, अपनी कुछ सीटों का समझौता करके अपना करके ये काम नहीं करेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से, हमारा लक्ष्य है कि आज दो चार पांच लोग उत्तर प्रदेश में व्यापारी की राजनीति कर रहे हैं, कल 400 सीटों पर जब व्यापारी लड़ेगा तो व्यापारियों के 400 नेता होंगे, जब 400 नेता होंगे तो हमारी लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से सरकारों को झुकना पड़ेगा।